गुड मॉर्निंग दोस्तों, यहाँ कल रात से बारिश हो रही है। मैक्स गूस भी बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट ने प्रिडिक्शन करी है कि ये थंडर स्टॉर्म्स और हैवी रेनफॉल, मतलब अतिवृष्टि जो होता है ना, बादल फटना, उसका भी प्रिडिक्शन है। एंड अभी यहाँ पे तो सब स्टेबल है, पर अगर थंडर स्टॉर्म होगी तो उसमें पता है मेरे को डर क्या लगता है, मेरे को डर लगता है मैक्स के लिए, क्योंकि वो इतना घबराता है ना, उसकी हालत ख़राब हो जाती है। एंड पहले नहीं डरता था वो, ये भी शुरू हुआ है तो आई जस्ट होप, फिंगर्स क्रॉस्ड, कि ऐसी बारिश चल जाएगी, पर वो ब्रूम 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 नहीं होनी चाहिए। क्या है? क्या ये? अभी तक तो ऐसा कर रहा है। प्रॉब्लम क्या है? घोष को ना मैं ये कर रहा हूँ ना, मसाज करा रहा, देखना मान लीजिए अपनी खुजली यहाँ पे बहुत पसंद है गोस्ट को, यहाँ पे ना टेल के पास एकदम पूरी, देखना कैसे रखी है। अब ये जेलस बॉय को खेलना है। अच्छा अच्छा जा, गोस्ट भाग ही रहा था पर मैंने इसकी मालिश करनी शुरू कर दी, न्यूट्रलाइज हो गया। पूछ देखना इसकी। फनी है यार, पूछ। मैं इसकी चार सक्सेसफुल हुई, वो टॉय लाया, उसको पता था टॉय आएगा तो गोस्ट मियाँ जो है वो टॉय से खेलने लग जाएंगे। लाओ, ये कैसे लाए? अरे ला ला दे, अरे मुझे तो दे दे। वन वन टू थ्री ओ मैक्स। अरे तो धोखा हो गया। A few moments later. मैं कहीं जा रहा था और ये भाई साहब देखो, दोनों अब यहाँ से तो निकल। मैं एक बार समझा देता हूँ एक्चुअली में हुआ क्या था। मैं घर से निकला कहीं काम से जाने के लिए और मैं गाड़ी में बैठा, मैंने गाड़ी चलाने लगी। जैसे मैं गाड़ी चला रहा था ना, पीछे से कुछ भागता हुआ दिखा मुझे रियर व्यू मिरर में, देखा एक फ्लफी सी पूंछ हिल रही है। ये पूंछ तो गोश्त की है, तो देखा पीछे गोश्त की मक्कू भाग के आ रहे हैं। बताओ, मैं कहीं जा रहा था और ये भाई साहब देखो, दोनों अब यहाँ से तो निकल। इधर बारिश हो रही है, मैं कहीं जा रहा था, पीछे पीछे घर से भाग के आ गए यार। चल चल जा अंदर, जा मैं को जा बेटा, शाहरुख की ब्लाइंड पीछे डाल दे, खराब हो जाएगा। शुभ्रो को लगा पॉटी आ रही है इसको। अबे पुलिस वाले चलाना काट दे हमारा, सोशल डिस्टेंसिंग में डॉग्स अलाउड है, दो लोग अलाउड है पीछे बैठा है। हम जा रहे हैं, एक्चुअली हमारा एक इलेक्ट्रीशियन है तो उनकी तबीयत खराब है तो उनको पैसे चाहिए, तो मैंने उनको बोला गूगल पे कर देता हूँ। वो कह रहे हैं कि भैया मेरे चलने फिरने की हालत ही नहीं हो रही है, तो उनके घर जाके दे के आ रहे हैं बस। और साथ में अभी भी हैं यार, गोश्त गलत कर दिया तूने सीन। अब पुलिस वाले रोकेंगे भी ना, ये भी बहाना नहीं मार पाएंगे कि अस्पताल जा रहे हैं, ये दवाई लेने जा रहे हैं ना। बदतमीजी इसकी, ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा है ताकि मैं खिड़की खोल दूँ। मतलब कहने का मतलब है खिड़की खोल दो। अब खिड़की कैसे खोलूँ, ठंड इतनी हो रही है, एक तो ठंड लग रही है पूरे हाथ, और ठंडे हो रहे हैं, इतना मस्त मौसम हो रहा है और ऊपर से बारिश हो रही है। विंडो खोलूँ भाई के लिए मैं, भीगता है, चल अपना भीगता है, ले खोल दी विंडो, खुश ले 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 भीग ले। शाहरुख देखते रहना है इसको, ज़्यादा थोपड़ा वैसे अंदर कर लेता है थोपड़ा, ये गाड़ी आती है तो। क्या है ये गोस्ट? जा खिड़की से बाहर भी नहीं देख रहा है। अच्छा वो जगह मैक्स ने ले ली, वो जगह मैक्स ने ले ली है ना, अब इसको नहीं मिल रही है जगह, तो पूरा गीला हुआ है गोस्ट, मेरे को भी गीला कर रहा है देखना। हाँ भाप मार दे कैमरे में और भाप मार दे पीछे। हाँ क्या है
देखो ये, हाँ और दूर डाल दे, हाँ अरे अरे गाड़ी चला मेरे भाई। एक्चुअली वो जगह मैं एक्सटेंड ली थी ना, इसको तो चले उस वाली खिड़की में शाहरुख बैठा, उससे तो भारत दिखेगा नहीं भाई को, व्यू दिखेगा नहीं हमारा। मत तुम यहाँ बारिश हो, मजे कर रहे उल्लू के पट्टे दोस्त। अच्छा भाई लॉकडाउन सड़कें खाली हैं और बारिश अलग हो रही है। अब शाहरुख जा रहा है तो ओह इस वाली खिड़की पर तो ब्लाइंड लगा है, और मत्तू चौरी बेटा इधर तो ब्लाइंड लगा है, मेरे को लगा नहीं तो एक खिड़की एक को मिल जाएगी, एक खिड़की पे तो हत्या के बैठा ही है शैतान हमारा छना मत्तू। चलो बस अब थोड़ी देर में घर तक पहुँच ही रहे हैं, थोड़ी सी बारिश हल्की हो गई है तो मैं सोच रहा हूँ फटक से यही मौका है मैं तो गोश्त को जरा सुसुवाटी करा दें, फिर पता नहीं दिन भर बारिश चलती रहेगी तो बड़ी दिक्कत होगी। जा रहा हूँ मैं, बैठो तुम भाग के आए थे ना, जाऊँ क्यूट ऐसे देखता है, जा सकता हूँ तेरे को छोड़ के मैं। 2 hours later तो कहाँ घूम रहे दोस्तों? ये जो लाइट आपको दिख रही होगी ये पूरी ये लाइट एक्चुअली हमने वहाँ पे भी लगानी है एंड उसी की तैयारी चल रही है, इसके अंदर लगाएंगे। एंड अक्सर आप लोग पूछते हो ना ये क्या चीज़ है, सो दिस इज़ जस्ट एन ऑर्डिनरी ट्यूब लाइट बट वो बहुत अच्छी लगती है वीडियो में एंड आई एम श्योर यहाँ पे जो हम लाइट लगाएंगे सो दिस विल लुक रियली नाइस, बहुत सुंदर लाइट है, इसको लगाना थोड़ा टिपिकल हो, देख रहे हैं कैसा करना है। बाकी गोश्त भाई साहब गोश्त ओए दिल्ली दिखा लो भाई को कुछ नीचे, और ये मेरा प्यारा राज दुलारा सिर्फ अपने बटन सब सामान के तब मैसी पड़े थे ड्रोन वगैरह, कल अपडेट किया ना मैंने ड्रोन को मैक्स। क्या क्या आप लोग अक्सर पूछते हो ना ये दीवार आपको वॉलपेपर लगता है, देखो ये असली लकड़ी है ले गोश्त अब काटेगा उसको कर कर काटी काटी कर कोई बात नहीं मत्तू आपको छोटी वाली लकड़ी चाहिए लो ठीक है, अरे पागल में कुत्ता समझे क्या, अरे दूसरी भी ले गया। देखो आपको ये लाइट जला के दिखाता हूँ, लग रही है ना मौसम वहीं गुस्सा पड़ा है क्या हुआ गोश्त क्या हुआ क्या कुछ कीड़ा वीड़ा दिख गया होगा इसको अंदर घुसते पे कॉकरोच वॉकरोच टाइप का, अब छोड़ेगा नहीं उसको चिपका नाक, हाँ घुसेड़ दे नाक अंदर कुछ आ रहे होंगे ना कुछ बुरे छोटे मोटे कीड़े तो होंगे, चूहे तो है नहीं ऑफिस में तो कन्फर्म है खैर। पहले हमारे ऑफिस में एक जगह थी जहाँ से चूहे आ जाते थे तो गोश्त ने इतना हाहाकार मचा दिया था ऐसा लगता था कि दीवारें वारे तोड़ते गए, तो उस चक्कर में फिर हमने पूरा उसको ढंग से रेनोवेट करा के बंद कराई वो जगह ताकि गोश्ती उसमें चूहे तो नुकसान करे ना करे गोश्त कर देगा नुकसान। क्या करना है उसको, उसका प्लग वो अटक गया ना निकालना है। ये है लाइट, ये जो है ना इतनी सी है, ये अभी यहाँ से वहाँ तक अभी जब जलेगी तो देखते हैं कैसी लगेगी। देखो दोस्तों वाह लुकिंग ग्रेट मत्तू कैसी लगी इन द मीन वाइल। ये देखो ये भाई साहब ने ये सब ये तोड़ ताड़ना शुरू कर दिया लकड़ी को, पता नहीं क्या खुशबू आ गई है इसको ऐसी यहाँ पे। सबसे बहुमूल्य सिर्फ अपने बटन को अपनी जगह पे लगा दिया जाए। तो दोस्तों फाइनली लाइट लग गई है एंड इट्स लुकिंग फैंटास्टिक। अब दोस्तों ये जो ऑफिस है मेरा अगर आप देखोगे ना ये देखो सब कैसे सामान कैसे बिखरा पड़ा है एंड इधर भी आप देखोगे पैबलो का यहाँ पे ऐसे पड़ा हुआ है, कुर्सी के ऊपर डंबल्स पड़े हुए हैं, ये सब ऐसे पड़ा हुआ सामान, अंदर भी सब मेस्ड अप है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जरा इसकी क्लीन करके सफाई कर दी जाए फटाफट। So
दोस्तों ऑफिस एकदम साफ हो चुका है एंड मैं आपको दिखाता हूँ, ये है हमारी टेबल जहाँ पे हम अपना काम करते हैं विच इज़ क्लीन नाउ। ये जो आपको दिख रहा है ये इनकी ट्रीट्स रखी हैं, प्लस ये थोड़ा बहुत सामान अभी चाहिए मेरे को सैनिटाइजर्स, तो ये मैंने रख लिया है। गोस्ट एज यूजुअल अपना बिल्ली देख रहा है एंड ये जो कॉर्नर है इसकी लाइट पहले जला लेता हूँ। ओके सो ऑल क्लीन नाउ एंड अंदर वाला जो रूम है जो हमारा स्टाफ रूम है वो थोड़ा मैसी है क्योंकि अभी हमारा स्टाफ नहीं आ रहा है तो अभी हमने इसे क्लीन नहीं किया, हम इसे कर भी नहीं सकते क्लीन खुद। खैर फिलहाल के लिए इसको भी ऐसे छोड़ देते हैं। सो ये रहा हमारा ऑफिस। 2 hours later दोस्तों शाम हो गई है, ऑलमोस्ट अंधेरा हो गया है और अभी तक बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है एंड आई डोंट नो यार, यहाँ पे तो सब कुछ अच्छा दिख रहा है बट ऊपर हिमालय से पता नहीं क्या सीन होगा। अच्छा सुनो, मेरे को आपसे कुछ बात करनी है, आ जाओ। देखो दोस्तों ये चीज़ तो मेरे को अब समझ में आ गई है कि आपको हमारे जो व्लॉग्स हैं बहुत पसंद आ रहे हैं, पिछले वीडियो के कमेंट्स और उसमें लाइक्स और शेयर्स देख के मुझे समझ में आ गया था। मेरे को थोड़ी सी दुविधा ये हो रही है कि मैंने पिछले कुछ दिनों से मैं इस चैनल पे शॉर्ट्स भी डाल रहा हूँ, अगेन व्यूज़ वगैरह उसमें सब बढ़िया आ रहे हैं, आपको अच्छे भी लग रहे हैं, बट मैं कन्फ्यूज इस चीज़ में हूँ कि क्या मेरे को शॉर्ट्स इसी चैनल पे डालने चाहिए या मेरे को एक अलग चैनल बनाना चाहिए। देखो अगर मैं अलग चैनल बनाऊंगा तो ऑब्वियसली हमारे लिए फिर अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं क्योंकि उसमें मैं और भी चीज़ें कर सकता हूँ, कभी फ्यूचर में हो सकता है गेमिंग भी कर सकता हूँ या उसमें यू नो छोटे मोटे वाले रॉ वीडियोज़ जो डायरेक्टली डाल सकते हैं वो भी डाल सकता हूँ या कोई छोटा मोटा अपडेट डाल सकता हूँ, एनिमल वेलफेयर के रिलेटेड भी उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे एक आइडिया दो आप कि इसी चैनल पर डालूँ शॉर्ट्स ताकि आपको देखने में आसानी हो या फिर मैं एक और चैनल बनाऊँ जिसमें मैं शॉर्ट्स भी डालूँ और कई तरह का अलग कंटेंट भी डालूँ, तो ये मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड इस वीडियो को यहीं पे अब एंड कर रहे हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो आप अगर यहाँ तक आपने देखा तो, ऑब्वियसली लाइक करना तो बनता ही है ना, और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपना ओपिनियन मुझे ज़रूर दीजिएगा क्योंकि फिर मैं कन्फ्यूज़ आता हूँ, क्योंकि 100 लोग मुझे एक चीज़ बोलते हैं, 2-3 लोग बोलते हैं नहीं नहीं भैया ये नहीं करना है, तो फिर कन्फ्यूजन होता है भाई को। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल क्योंकि उससे भाई का हौसला बढ़ता है, मुझे मेहनत करने का मन करता है, मैं मोटिवेट होता हूँ। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि अगर आप घर से बाहर जा रहे हो तो प्लीज़ उसको थोड़ा अवॉइड करो, अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो घर से बाहर मत जाओ, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। ओके बाय। कल जो वीडियो आ रहा है ना उसमें गोस्ट की पोल खोलेंगे हम, बता रहा हूँ, देखना मत भूलना, ठीक है।